तो फ्रेंड यहाँ पर इंडिया में Xiaomi ने अपने Redmi Note 5 और Note 5 Pro दो फोन्स को लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं इन दोनों फोन्स को, दोनों नहीं दोनों में से कोई एक ही खरीदेंगे डेफिनेटली, और अगर आप कंफ्यूज हैं कि दोनों फोन्स में ऐसा क्या है कि जो मेरे लिए ठीक रहेगा, यहाँ स्पेसिफिकेशंस आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा फोन आपके लिए बढ़िया है, तो यहाँ पर आज वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको कंपेयर करके बताने वाला हूँ Xiaomi Redmi Note 5 और Note 5 Pro। और बस यार, मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। चार फोन्स को लॉन्च किया है नोट 5 में 2 वेरिएंट्स हैं 3 जीबी रैम 32 जीबी स्टोरेज जिसकी कॉस्ट आपको देखने को मिलती है 10,000 रुपए, वहीं 4 जीबी रैम 64 जीबी स्टोरेज आपको नोट 5 में देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है 12,000 रुपए का। और बड़े हम अपने नोट 5 प्रो की तरफ, तो यहाँ भी आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं जो 4 जीबी रैम 64 जीबी स्टोरेज वाला वर्जन है वो आपको मिलता है 14,000 रुपए का। और जो 6 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वाला वर्जन है वो आपको 14,000 नहीं 17,000 का देखने को मिलता है सबसे ज्यादा कॉस्टली प्राइसिंग यहाँ पर इ
ऊपर का और नीचे का जो पोर्शन है वो प्लास्टिक का मिलता है, बाकी बीच का जो पोर्शन है उस बैक का वो आपको फुल यूनिबॉडी मेटल डिजाइन देखने को मिलती है। और अगर बात करें यहाँ फ्रंट में आपको क्या बिल्ड क्वालिटी मिलती है, तो यहाँ फ्रंट में आपको देखने को मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 जो कि आपके स्क्रीन को भी प्रोटेक्टेड रखेगा। और यहाँ पर मतलब डिजाइन की बात करें तो डिजाइन बहुत बेहतरीन है, डिजाइन में आपको काफी अच्छे खासे इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर 18:9 एस्पेक्ट रेशियो स्मॉल बेजल्स जो कि आपके फोन को 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ 2018 में मैचेबल बना देते हैं, जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये फोन देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस भी यहाँ मतलब जो नोट 5 है वो आपको पुराने वाले इस प्रोसेसर के साथ मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन 625, और जो नोट 5 प्रो है वो आपको देखने को मिलता है एक अपग्रेडेड वर्जन वाले जो है वो मिलता है स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर के साथ। यहाँ पर जो है दोनों प्रोसेसर में इतना अंतर है कि यहाँ नोट 5 प्रो अगर आप यूज करेंगे तो अप टू 35% आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी नोट 5 से। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम दोनों फोन की कैमरा क्वालिटी की बात करें तो यहाँ आपको सबसे पहले बात करते हैं रेडमी नोट 5 में, तो वहाँ आपको देखने को मिलता है रियलमी 12 मेगापिक्सल का कैमरा और फ्रंट में एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है जो कि कोई ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, जो आपको आमतौर पर मिल जाता है इस रेंज में का मेरे ख्याल से थोड़े बेटर ही मिलते हैं कैमराज। बाकी यहाँ पर देखने वाली बात कैमरा क्वालिटी की नोट 5 प्रो में है क्योंकि यहाँ पर आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो है 12.5 मेगापिक्सल का और फ्रंट में आपको देखने को मिलता है तड़कते बड़कते 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर वो भी फ्लैश के साथ। तो यहाँ पर जो है इस फोन में कैमरा क्वालिटी आपको थोड़ी देखने को मिलने वाली है, लेकिन क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है। यहाँ पर Xiaomi का Mi A1 अगर आप डुअल रियर कैमरा सेटअप अगर यूज करेंगे तो वो इससे थोड़ा बेटर आपको देखने को मिलता है। यहाँ प्राइसिंग अगर आप 17,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो कैमरा के लिए, तो यहाँ पर मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। तो यहाँ बात आती है ओवरऑल कंक्लूजन की, तो मेरे हिसाब से जो है अगर आप जो है अच्छा खासा रुपए ठीक ठाक बजट में अच्छे परफॉर्मेंस वाला फोन देख रहे हैं और आप वाकई में अपग्रेड करना चाहते हैं नोट 4 से, तो यहाँ पर एक एक्चुअल अपग्रेड आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलता है, वो मिलता है 4GB RAM 64GB storage वाले नोट 5 प्रो के साथ। तो यहाँ इस फोन को खरीदना थोड़ा ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ प्राइसिंग जस्टिफाइड है, स्पेसिफिकेशंस जो है आपको नोट 4 से थोड़े बेहतर मिलते हैं, अपग्रेड करने का ऑप्शन अच्छा है और यहाँ पर ये ओवर प्राइस भी है क्योंकि यहाँ पर जो बाकी के दो फोन हैं वो आपको नोट 4 जैसी स्पेसिफिकेशन देते हैं, सिर्फ 18:9 एस्पेक्ट रेशियो है जो कि आपको देखने को मिलता है एक्स्ट्रा। और बाकी अगर हम जाएं यहाँ पर 6GB RAM वाले, तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि 6GB RAM आपके लिए कोई ज़्यादा इतनी चीज नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4GB RAM आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाली है। वहीं ये फोन जो है वो थोड़ा ओवर प्राइस भी है, 17,000 रुपए आफ्टर ऑल आप इस फोन के लिए खर्च करने वाले हैं। तो बाकी यार आपकी मर्जी, आप कौन सा फोन खरीदना चाहते हैं बाकी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कर देना यार, कर सकते हैं, प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके टेक रिलेटेड वीडियोस और टेक न्यूज डेली चैनल पे अपलोड करता हूँ, डेली रोज वीडियोस अपलोड करता हूँ। दो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते, कंटेंट पसंद आए तो जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बराबर का मिलेगा एक बेल आइकन से दबा दीजिएगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।